आदमी जब झंडा लगाएगा, जो हर घर में झंडा लग जाएगा, तभी वो देश का भक्त होगा, वफादार देश का जब ही कहा जाएगा। और कोई नहीं लगाए तो क्या देश का भक्त नहीं रहेगा? वो देश का वफादार नहीं रहेगा क्या? अरे भाई, कोई आदमी झंडा नहीं लगा रहा, किसी मजबूरी से न लगा रहा, या अपने आप खुद नहीं लगाना चाहता, तो इससे ये समझना कि देश का वफादार नहीं रहा और झंडा ही लगेगा तभी वफादारी साबित होगी, ये गलत है। झंडा लगाने से देशभक्ति कम हो जाएगी क्या? यानी अजीब तर्क है ये, और मुझे बड़ी दुख भी होता है कि वो हमारी इसी संसद के सदस्य हैं, इसी प्रकार के वक्तव्य पहले भी देते रहे हैं। और देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहूँ, तिरंगे के विषय में इस प्रकार के शब्द यदि उन्होंने बोले हैं तो ये एक प्रकार से देशद्रोह की सीमा में आता है। समाजवादी पार्टी इस बारे में सोचे, उनके विषय में जो है विचार जरूर करे। वो वंदे मातरम का बहिष्कार करेंगे, तिरंगे के बारे में ऐसी बात कहेंगे, और उसके बाद भी वो संसद के अंदर रहेंगे, तो ये देश के लिए भी चिंता की बात है और ये समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंता की बात है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।